हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर टू में मैंने सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हम लोग डील कर रहे थे, और इन टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सीपीसी 1908 में एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है। सो एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी देखा था हमने, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरजीत सिंह संधू 2001 का केस देखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जो कॉमन पार्लेंस में टर्म्स यूज़ हो रहे हैं हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम लोग रेफ़र कर सकते हैं डिक्शनरीज। सो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स देख रहे थे, उसमें ए से लेके हम लोगों ने अपील, एफिडेविट, अपील के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने कॉज ऑफ एक्शन पढ़ा, देन कैवियट, देन सिविल और सिविल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं वो हम लोगों ने डील किया, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने बोला कि कोर्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आज हम लोग डिफाइन करेंगे, या नेक्स्ट टर्म मैं डिफाइन करूँगा, और वो नेक्स्ट टर्म है आपका इज द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट सो डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट कॉमन टर्म्स में होता है कि वन हु डिफेंड्स, जो बचाव करता है। और थोड़ा कोर्ट की लैंग्वेज, थोड़ा मोर टेक्निकल अगर हम लोग जाएंगे इसमें, सो ये हो सकता है आपका द पार्टी सूट, कोर्ट ऑफ लॉ में जो पार्टी सू की जाती है, सो उसको डिफेंडेंट हम लोग बोलते हैं। डिफेंडेंट बेसिकली एक सूट को डिफेंड करता है जो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट फाइल की होती है। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सो डिफेंडेंट उसको डिफेंड करता है, और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से क्यों ये सूट फाइल किया है? टू सीक some remedies. So, और इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं द पर्सन अगेंस्ट होम A suit is filed. By plaintiff. Okay. So ये defendant. Next word हम लोग देखेंगे execution क्या होता है, हम लोग deal करेंगे execution क्या होता है। सो एग्जीक्यूशन बेसिकली मीन्स एग्जीक्यूशंस होती हैं आपकी प्रोसीडिंग्स या प्रोसेस टू एनफोर्स और टू गिव इफेक्ट टू, मतलब इन शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन मीन्स इन्फोर्समेंट, प्रोसेस ऑफ इन्फोर्समेंट, और वो क्या है इन्फोर्समेंट आपका? वो इन्फोर्समेंट है जजमेंट ऑफ द कोर्ट, डेक्री ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सो एग्जीक्यूशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट
ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये टर्म हो गया आपका। हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। अब नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द इशू, कि इशू क्या होता है। हम लोग इशू को डील करेंगे। सो इशू क्या होता है? इशू को अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में देखें तो इशू इज अ पॉइंट इन क्वेश्चन। ओके, और सेकंड हम लोग देख सकते हैं इशू को, इशू इज ऑल्सो सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है इशू, किस चीज का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट और लिटिगेशन। डिबेट और लिटिगेशन। ओके, अगर हम लोग पढ़ते हैं कि इशू के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के इशू आपके अराइज होते हैं, तो थ्री टाइप ऑफ इशूज जो हैं वो अराइज होते हैं। फर्स्ट इज द इशू ऑफ फैक्ट, सेकंड इज द इशू ऑफ लॉ, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इशू। मिक्स्ड मींस इन इश्यूज में आपके फैक्ट्स और लॉ दोनों मिक्स्ड होंगे। तो थ्री टाइप ऑफ इश्यूज जो हैं अराइज होते हैं। तो क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन नॉर्मली अराइज होता है कि हम लोगों ने देखा कि थ्री टाइप के इश्यूज अराइज होते हैं, बट क्यों अराइज होते हैं, वाई इशू क्यों अराइज होते हैं वो देखते हैं हम लोग। क्यों अराइज होते हैं? इशू के अराइज होने का एक मेन रीजन ये है कि वेयर द मटीरियल स्टेटमेंट, मटीरियल स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, वेयर द मटीरियल प्रोपोजिशन इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी, इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी, एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी। दिस इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड दिस इज डिनाइड बाय द अदर पार्टी। ओके, सो तब जाके इशू अराइज होते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कशंस देख लिए कि इशू का मेनली डिस्कशन क्या हो रहा है और कैसे हम लोग इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, और कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म है, उस टर्म को देखेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की। ओके, ये एक टर्म है और हमें पता है इशू आई के बाद नेक्स्ट टर्म जे आएगा। सो जो ज्यूरिसडिक्शन को अगर नॉर्मल सेंस में मैं बोलूं, सो ज्यूरिसडिक्शन इज द अथॉरिटी टू डिसाइड, इज अथॉरिटी टू डिसाइड। सिंपली जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, दैट मींस इज द अथॉरिटी, ज्यूरिसडिक्शन इज द अथॉरिटी। अब हम लोग अपने सेंस में अगर देखें, थोड़ा और टेक्निकल जाने की कोशिश करें, सो ज्यूरिसडिक्शन इज सिंपली इज द पावर और अथॉरिटी, इज द पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट,
जुरिसडिक्शन इज द पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, बट किस टाइप की पावर और या किस टाइप की अथॉरिटी? द फर्स्ट इज अथॉरिटी टू हियर, हियर ए केस एंड देन डिसाइड द मैटर, एंड डिसाइड और सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट मीन टू आर टू जस्टिस, एंड थर्ड इज एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर ओके, एक्सरसाइज ऑफ पावर provided by the statutes. So, second, अगर हम लोग jurisdiction की definition बोलेंगे, so jurisdiction is simply the power or authority of the court to hear and decide the matter, to adjudicate and exercise the power as provided by the statutes. Power को exercise भी court करती है. एक certain sense में हम लोग jurisdiction की एक और definition देख लेते हैं. Jurisdiction is the extent of authority. Authority का extension कहाँ तक होगा? Extent of authority. Jurisdiction is the extent of authority of the court. Obviously, jurisdiction is the extent of authority of the court to administer justice. जस्टिस को एडमिनिस्टर करने, सू एडमिनिस्टर जस्टिस, और ये जस्टिस जो है, ये मैटर टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट. सेकंड इज द पिक्यूनियरी वैल्यू, pecuniary value, and third is the territorial extent. Getting? So justice administered करेगी तीन, जब तीन matter होंगे, either subject matter का या pecuniary value का या territorial extent. So ये jurisdiction के बारे में बात है. एक और point मैं add कराना चाहूँगा कि jurisdiction में consent जो होती है किसी भी पार्टी की, कंसेंट ऑफ एनी पार्टी, कैन नीदर कन्फर नॉट टेक्स अवे. ओके, सो कंसेंट ऑफ पार्टी ना कन्फर, नीदर कन्फर्स नॉट टेक अवे द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, jurisdiction of courts. Getting? So ये jurisdiction का हो गया आपका. Okay. Next, जो word frequently use हुआ है और मैंने आपको promise किया था कि मैं alphabetically हम लोग चलेंगे और हम इस word को deal करेंगे. So, ये वर्ड है आपका प्लेंट. तो इस वर्ड को हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड प्लेंट क्या होगा. देखिए ये वर्ड बहुत यूज होता है, तो एडवाइजेबल है कि इसकी अगर हमको प्रॉपर मीनिंग आती है तो थोड़ा काम हमारे लिए इजी हो जाएगा सीपीसी को समझना. तो प्लेंट जो होती है, प्लेंट इज अ स्टेटमेंट. प्लेंट क्या है? एक स्टेटमेंट. कैसा स्टेटमेंट है? देखिए प्लेंट स्टेटमेंट है, बट क्या खास बात है उस स्टेटमेंट में,
what is the most peculiar thing about this statement is, the first statement is a claim. Party plaintiff claim karega. Second statement ek document bhi ho sakta, or document. Ya third ek memoir or memorial bhi ho sakta. ओके सो प्लेंट क्या है, एक स्टेटमेंट जिसको अगर मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा या कोर्ट में फाइल करूंगा बाय प्रेजेंटिंग. और कहां प्रेजेंट करूंगा, कोर्ट में. और कोर्ट में प्रेजेंट करके क्या हो जाएगा, मेरा एक सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा. ओके सो प्लेंट इज अ स्टेटमेंट बाय प्रेजेंटिंग इट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस द सूट इज इंस्टीट्यूटेड. अब प्लेंट के पिक्युलैरिटी हम लोगों ने देख ली है. प्लेंट के बारे में एक बहुत सिंपल फैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि प्लेंट इज सिंपली प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिफ. अगर एक शॉर्ट सेंस में डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो प्लेंट इज अ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ, प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ. ओके प्लेंट क्या करता है, ये तो प्लेंट क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, एक स्टेटमेंट होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने देखा कि प्लेंट इज द प्लीडिंग. और प्लीडिंग में नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि प्लीडिंग क्या होती है. बट प्लेंट क्या करता है, प्लेंट ग्राउंड्स कंटेन करता है. प्लेंट कंटेन्स ग्राउंड, प्लेंट कंटेन ग्राउंड बाय विच एनी पार्टी sought the assistant of the court. Okay, so plaint क्या है, plaint वो ground contain करेगी जिसमें party court का assistant seek करेगी. Okay, so plaint contain a ground, we sought the assistant of the court in relation to the suit, in relation to the suit. Okay, so ये प्लेंट के बारे में गया. अब यहाँ पर मैं एक टर्म बताऊँगा, प्लीडिंग्स क्या होती हैं. देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, प्लीडिंग्स क्या होती हैं. प्लीडिंग की डिस्कस करेंगे हम लोग, ये इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है, बट मैं एक सेपरेटली प्लीडिंग आपको बता देता हूँ कि प्लीडिंग क्या होती है. देखिए प्लीडिंग इज सिंपली अ फॉर्मली रिटन, प्लीडिंग इज फॉर्मली रिटन, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाएगा. बट क्या, फॉर्मली रिटन. ओके सो प्लीडिंग इज अ फॉर्मली रिटन, व्हाट एलिगेशन और काउंटर एलिगेशंस. ओके ओके सो एलिगेशन कौन करेगा, वन पार्टी. पार्टी ने एलिगेशन किए तो सेकंड पार्टी क्या करेगी, काउंटर एलिगेशन करेगी, द अदर पार्टी, अदर पार्टी. ओके और ये पार्टी अल्टरनेटिवली अल्टरनेटली मींस वन पार्टी एलिगेशन फाइल करेगी, एलिगेशन करेगी एंड सेकेंड पार्टी काउंटर एलिगेशन करेगी. सो प्लीडिंग इज द फॉर्मली रिटन एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन बाय पार्टीज. ओके बाय पार्टीज एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन बाय पार्टीज. ओके इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इन द सिविल प्रोसीडिंग्स, इन द
सिविल प्रोसीडिंग्स, द सिविल प्रोसीडिंग्स। ओके, सो ये हमारा प्लीडिंग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेंटिफ। अब हमने डिफेंडेंट को डिस्कस कर लिया था, डिफेंडेंट। अब हम लोग प्लेंटिफ को डिस्कस करेंगे। सो प्लेंटिफ, अब हम लोग प्लेंटिफ को डील करेंगे। प्लेंटिफ क्या होता है वो देख लेते हैं। प्लेंटिफ इज वन हु ब्रिंग्स द सूट। ओके, तो प्लेंटिफ इज वन हु ब्रिंग्स द सूट, ब्रिंग्स द सूट। और सूट मैं अभी डिस्कस करवाऊंगा कि क्या होती है। प्लेंटिफ वो होता है जो सूट लाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो कमिंस अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट, कमेंस अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट। ओके, सो प्लेंटिफ वो होता है जो कि सूट फाइल करता है, या फिर जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। ये प्लेंटिफ ही होता है, इज द प्लेंटिफ हु फाइल्स अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्यों टू सीक रेमेडीज अगेंस्ट डिफेंडेंट एज प्रोवाइडेड बाय अ स्टैट्यूट। ओके, सो दिस इज द प्लेंटिफ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सो प्लेंटिफ की बातें हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सूट क्या होता है। ओके, सो सूट देख लेते हैं। सूट अगर हम लोग सिंपली बोलें तो सूट इज अ सिविल प्रोसीडिंग्स। सूट क्या होती है, सिंपल सिविल प्रोसीडिंग। ओके, और ये सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होंगी। कैसे इंस्टीट्यूट होंगी? सूट इज अ सिविल प्रोसीडिंग instituted, okay, so suit is the civil proceedings instituted by presenting a plaint or filing a plaint. देखिए पहले plaint file होगा, plaint में हम लोगों ने अभी देखा, plaint file होगा तो suit administer हो जाएगा या suit institute हो जाएगा। तो that means कि suit के फाइलिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्लेंट। और हम लोगों ने देख लिया कि प्लेंट क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डॉक्यूमेंट और मेमोरियल। ओके, सो ये सूट होगा। और इन थोड़ा अगर थोड़ा और टेक्निकली, ये थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली देखें कि सूट क्या होता है, तो सूट कवर्स ऑल प्रोसीडिंग्स और एनी प्रोसीडिंग्स where an individual
ओके, सीक्स रेमेडी इंडिविजुअल, सीक्स रेमेडी एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो ये सूट को हम लोग सेकेंड टर्म्स में, सेकेंड सेंस में और डिफाइन कर सकते हैं। तो सूट इज, सूट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसीडिंग या एनी प्रोसीडिंग बाय विच एनी इंडिविजुअल सीक्स रेमेडी एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। ओके, सो ये सूट हो गया आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करेंगे समन्स की। समन क्या होते हैं? समन्स क्या होते हैं? सो समन इज सिंपली, अगर हम लोग डिफाइन करें तो समन इज एन अ डॉक्यूमेंट। ओके, समन इज अ डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू होगा? ये होगा ऑफिस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो समन्स इज अ डॉक्यूमेंट इशूड फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। और वो क्या करेगा समन? एंड दिस डॉक्यूमेंट इज डायरेक्टेड टू, इज डायरेक्टेड टू पर्सन, डायरेक्टेड टू पर्सन, डायरेक्टेड टू अ पर्सन। ओके, ये कोर्ट, कोर्ट मीन्स जज और ऑफिसर ऑफ कोर्ट। सो क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट इज कि समन क्या एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि ऑफिस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ से इशू होगा, जो कि किसी पर्सन को डायरेक्टेड होगा। ये पर्सन ऑफ डायरेक्टेड को, पर जिस पर्सन को डायरेक्ट हुआ है उसको कोर्ट जो है बुलाएगी। दैट मीन्स दिस पर्सन इज कॉल्ड अपॉन बाय कोर्ट, कॉल्ड अपॉन बाय कोर्ट। और क्यों? वाई? वाई? फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेस। देखिए, स्पेसिफिक पर्पज जो है बहुत जनरल टर्म है, तो कोर्ट किसी भी टर्म्स में पर्पजेस बेसिकली एक केस से रिलेटेड होता है, बट किसी एक सर्टेन सेंस में हम लोग नहीं बोल सकते कि समन क्या होता है, बट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस, एंड दिस स्पेसिफिक पर्पजेस इज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। ओके, एक बात मेंशन करने की यहाँ पर यह है कि समन जो होता है इज अ रिटन ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, समन्स इन अ रिटन ऑर्डर, समन्स इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, रिटन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। सो समन क्या होता है? रिटन ऑर्डर कोर्ट से होता है, जो क्या करता है, किसी भी पर्सन को लीगली ऑबलाइज कर देता है, यानी आपको कानूनी तौर पे लीगली ऑबलाइज, ऑब्लिगेट्स। ठीक है, लीगली ऑब्लिगेट्स इस पर्सन को, और ये पर्सन जो है टू अपीयर बिफोर कोर्ट। ओके, टू अपीयर बिफोर कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम और अ फिक्स टाइम। ये टाइम, फिक्स टाइम पे आपको कोर्ट में अवेलेबल होना पड़ेगा, समन की ये मेन बात है। ओके, एंड समन, जो सर्विस ऑफ समन्स है, सर्विस ऑफ समन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड by any mode prescribed by law, by any mode prescribed by law,
बाय लॉ। ओके, सो ये समांस हो गया। फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है आपका रिटन स्टेटमेंट। ओके, सो इसके साथ मैं आज का डिस्कशन कंप्लीट करूँगा और जितने भी टर्म जो कि कोड में डिफाइंड नहीं है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन स्टेटमेंट इज अ रिप्लाई। रिटन स्टेटमेंट इज अ रिप्लाई, और ये रिप्लाई कौन देगा? इज अ रिप्लाई गिवन बाय डिफेंडेंट। इज अ रिप्लाई गिवन बाय डिफेंडेंट, और ये डिफेंडेंट किन चीजों का रिप्लाई करेगा? फॉर एवरी मटीरियल पॉइंट्स फॉर एवरी मटीरियल पॉइंट गिवन इन प्लांट। और प्लांट कौन फाइल कर रहा है? प्लांट एफ। तो इस प्लांट में जितने भी मटीरियल पॉइंट्स हैं उन सभी को रिप्लाई, सभी का रिप्लाई डिफेंडेंट को करना पड़ेगा। रिटन स्टेटमेंट सिर्फ डिफेंडेंट को यहीं तक कन्फाइन नहीं करता कि डिफेंडेंट सिर्फ रिप्लाई करने का ही काम करता रहे। रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट न्यू पॉइंट्स भी इंक्लूड कर देता है। दैट मीन्स न्यू फैक्ट्स कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन रिटन स्टेटमेंट। एंड दीज न्यू फैक्ट्स क्या होंगे? ये फेवरेबल टू डिफेंडेंट होंगे, फेवरेबल टू डिफेंडेंट होंगे। ओके, या एक चीज और कर सकता है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो भी लीगल ऑब्जेक्शन। डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के थ्रू तीन काम कर सकता है, एक रिप्लाई भी कर सकता है, न्यू फैक्ट्स इंक्लूड कर सकता है, एंड थर्ड लीगल ऑब्जेक्शन कर सकता है। लीगल ऑब्जेक्शन, अब लीगल ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट करेगा, लीगल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्लेम, एंड दिस क्लेम इज मेड बाय प्लेंटफ। ओके, सो रिटन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड लीगल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्लेम, अगेंस्ट द क्लेम बाय विच प्लांटिफ सीक्स रेमेडी फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो फाइनली अगर मैं इंक्लूड करवाना चाहूँ एक वर्ड में, तो एक वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इज द प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट, प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। ओके, जैसे प्लेंट आपकी प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ थी, वैसे रिटन स्टेटमेंट आपका प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट होगी। सो इसी के साथ ये मेरे सारे टर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिक्री सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 2 डिक्री से को डिटेल में देखेंगे, एंड देन हम लोग ऑर्डर, जजमेंट और ये सब चीज़ें देखेंगे। ये जो टर्म्स हम अब डील करेंगे ये स्पेसिफिकली सिविल प्रोसीजर कोड में मैंशनड है। ओके, सो आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।